हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है आपको पता ही चल गया होगा, आज का टॉपिक है कि आपकी राशि के हिसाब से आने वाला समय कैसा होगा। यानी कि आपको भी पता है कि ये साल बस अब ख़त्म ही होने जा रहा है, यानी कि 3 महीने रह गए हैं केवल, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मैंने सोचा आज तीनों ही महीनों की रीडिंग हम इसी वीडियो में देखेंगे, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या पता आगे मैं रीडिंग ना कर पाऊँ। इसमें जो कहते हैं ना मंथली रीडिंग, अक्सर हम नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, भूलते नहीं हैं, काम का इतना ज़्यादा रहता है कि नहीं बना पाते हैं, क्योंकि 12 राशियां हैं और सब वीडियो बनाना ज़रूरी है। एक की बना दो की छोड़ दो तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए मैंने सोचा है कि हम तीनों ही महीने की रीडिंग एक ही वीडियो में डाल देंगे। आप देख लीजिएगा, अपना तीनों महीना देख लीजिएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपका कैसा रहने वाला है। तो जिनकी भी मिथुन राशि है तो ये मिथुन राशि वालों के लिए है। अगर आपकी राशि मिथुन है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर नहीं है तो जो भी राशि है आपकी आप उस हिसाब से जाके वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैंने पूरे 12 राशियों पे ये वीडियो बनाया है। 3 महीने की रीडिंग आपको उसमें मिल जाएगी कि कैसा क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अक्टूबर का समय होगा कैसा होगा आपकी लव लाइफ को लेके। तो यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा चेंज, और थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज़न आपको है अपने पार्टनर को लेके कुछ भी है तो उसको जल्दी से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे कि अक्टूबर का जो समय होगा यानी कि 20 तारीख के बाद का समय होगा, आप अपने ही रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा डाउट करेंगे, यानी थोड़ा शक होगा आपको उस चीज़ पे लेके। आपका रिलेशनशिप काफ़ी समय से ऐसा दिख रहा है कि आप या तो लॉन्ग डिस्टेंस वाले रिलेशनशिप में हैं, या फिर ऐसे किसी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में जिसमें आप उनसे मिल नहीं पाते हैं, कम्युनिकेशन उतना हो नहीं पाता है, बातें भी थोड़ी सी कम हो रही हैं। बहुत सारे लोग के साथ ऐसा होगा कि बिल्कुल से नो कॉन्टेक्ट या सिचुएशन है, बातें काफ़ी समय से नहीं हो रही हैं, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बातें नहीं हो रही हैं उनसे, सही से बातें नहीं हो रही हैं, यानी बातें कम हो रही हैं, तो जो 10 तारीख के बाद का समय होगा अक्टूबर में वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव समय आपकी लाइफ में आने वाला है, एक अचानक से एक चेंज आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लाइफ पार्टनर से अलग हो गए हैं किसी वजह से, आपको लग रहा है कि आपका डिवोर्स हो जाएगा, तो सुधार हो जाएगा वहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप रहे तो वो रहेगा। काफ़ी अच्छा समय है रिलेशनशिप को लेके मिथुन राशि में, 10 तारीख के बाद का समय जो दिख रहा है बहुत ही अच्छा दिख रहा है। लेकिन फिर वही 20 तारीख के बाद का समय थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि आप खुद कन्फ्यूज हो गए हैं। तो जो भी चीज़ें आप लाइफ में चाहते हैं पहले उसे अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आपके लिए छोटी सी सलाह है कि जो भी चीज़ें आप चाहते हैं उसे अच्छे से जल्दी से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जब आप क्लियर हो जाएंगे तो वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी होंगी। जब आप खुद कन्फ्यूज रहेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत वहाँ पर हो जाती है, समय जो चीज़ें होती हैं थोड़ी सी लेट हो जाती हैं। अब हम देखेंगे कि आपका करियर कैसा रहने वाला है अक्टूबर में। जिन लोगों की भी मिथुन राशि है उनका अक्टूबर का समय कैसा रहने वाला है करियर को लेके। तो बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी ऐसी परीक्षा की जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ सफलता दिख रही है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, यानी अक्टूबर का जो समय स्टार्ट होगा ना, 1 से लेकर 10 तारीख का समय, उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसी न्यूज़ मिलेगी जो आपको लगेगा कि सच में आपका सिलेक्शन हो गया कुछ लोगों के साथ। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड हैं ये, ऐसे कार्ड हैं जिसमें दिखता है कि हाँ एक पर्सन है जो तैयारी कर रहा है, इसमें सफलता भी उसे मिल रही है। बस ये है कि जो मौका आपको मिले उस मौके को आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि मौका आपको मिलने वाला है अक्टूबर के महीने में। तो काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है यहाँ पे। और जो उसके बाद का समय होगा यानी कि 20 तारीख के बाद का समय ऐसा होगा कि आपको उसे लग रहा होगा कि आप शायद वो चीज़ नहीं मिल रही है जो चीज़ आपको चाहिए, आप तो ऐसे निराश हो जाएंगे, लेकिन फिर अचानक से आपको एक बहुत ही गुड न्यूज़ मिलेगी जिसमें आपको पता चलेगा कि जो जीवन से आप चाहते हैं, अपने करियर में जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ करने का मौका आपको मिलेगा। यानी कि आपके साथ लक रहेगा अक्टूबर में, आपकी जो पढ़ाई लिखाई या फिर बिजनेस है, जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो लक आपका साथ देगा। आइए देखते हैं अक्टूबर में आपका हेल्थ कैसे रहने वाली है, आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर किसी की लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा वर्क आप कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें आप थकावट फील कर सकते हैं, थोड़ा सा थका थका महसूस कर सकते हैं। बाकी आपके लिए एडवाइस यही है कि काम का बोझ थोड़ा सा कम लीजिए, यानी कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें बीच बीच में आप थोड़ा सा ब्रेक लेते रहिए, क्योंकि अगर आप लगातार काम करेंगे तो फिर हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बहुत सारा वर्क एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देख लेते हैं अक्टूबर के महीने में आपके लिए क्या कार्ड्स हैं साईं बाबा के कार्ड के जरिए। अशक्ति, भौतिक जगत में अपने कर्तव्य और भूमिका के प्रति बावजूद अपने उद्देश्य के। देखिए ये जो कार्ड आता है, जब भी आता है उस कार्ड का आप पढ़ भी सकते हैं, आपको लगेगा कि मैंने इसे पूरा पढ़ के आपको बताया भी नहीं, चलिए गलत हो गया मुझसे ये चीज़। तो आप अपना कार्ड देख सकते हैं, भौतिक जगत में अपने कर्तव्य और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद
अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। तो ये मेरी गलती थी कि मैंने इसे सही से पढ़ा नहीं, बस मैंने क्योंकि मैं इस कार्ड को इतने दिनों से देख रही हूँ, मुझे हर एक संदेश मुझे याद हो चुका है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही पढ़ दी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था क्योंकि आपके लिए तो नया है, ठीक है। तो देखिए, मतलब यही है कि आप लाइफ में जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, लेकिन जो आपके उद्देश्य हैं उसके प्रति आपको हमेशा जागरूक रहना, यानी कि आपका जो लक्ष्य है उसे आपको कभी नहीं भूलना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका लक्ष्य मिले, आप लाइफ में वो चीज़ पाएं जो चीज़ आप सोच रहे हैं, आपका जो भी उद्देश्य है, जो भी आपका सपना है, तो उसके प्रति हमेशा जागरूक रहें। आपको उसकी दिशा में काम भी करना चाहिए, आपको रुकना नहीं है। जैसे कि आप मेहनत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन लगातार ये भी नहीं है कि कभी कभी आप 10-10 दिन तक काम करते रहें और फिर आप अचानक से 2 महीने का ब्रेक ले लें, ये चीज़ नहीं करनी। यानी कि बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, तो बैलेंस को बना के रखिए, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सतर्क रहिए और उसकी दिशा में हमेशा काम करते रहिए। लंबा ब्रेक पे नहीं लेना है आपको, छोटा ब्रेक लीजिए, 1 दिन का लीजिए, 2 दिन का लीजिए, लंबा ब्रेक नहीं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, जो कि हमने अब तक देखी है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं अपनी लव लाइफ को लेके। आइए देखते हैं कि आपकी नवंबर में लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो देखिए, बड़ी अच्छी दिख रही है उन लोगों की, मिथुन राशि वालों की। आप अगर लाइफ पार्टनर की तलाश में हैं तो ये चीज़ तो यहाँ पे दिख रही है, बहुत सारे लोगों की शादी हो जाएगी, बहुत सारे लोगों को उनका लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। जजमेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आप लाइफ में बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, यानी कि बहुत चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। तो जो नवंबर का 1 से लेकर 10 तारीख का समय होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपकी लाइफ के लिए। उसके बाद का जो समय होगा वो ऐसा होगा कि आप जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आपकी फैमिली का भी काफ़ी ज़्यादा हाथ होगा, यानी कि आपकी फैमिली की खुशी से बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होंगी आपकी लाइफ में, आपको डिसाइड करेंगे, आपकी भी खुशी होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी खुशी नहीं होगी, हो सकता है कि आपकी खुशी में ही आपकी फैमिली ने अपनी खुशी खोज ली हो, बहुत लोग के साथ ये भी हो सकता है। सेलिब्रेशन का कार्ड है, यानी बहुत सारे लोग की, जैसा कि मैं बताई थी कि एंगेजमेंट हो जाएगी, या तो शादी हो जाएगी, या तो किसी न किसी डिसीजन तक आप पहुंच जाएंगे, तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। अब हम आते हैं आपके करियर पे। तो जिन लोगों की भी मिथुन राशि है उनका करियर कैसा रहने वाला है नवंबर के महीने में, ये हम देखना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें क्या पता चल रहा है कि कैसा रहने वाला है आपका नवंबर का महीना करियर की दिशा में। तो एक नया स्टार्ट है, एक नई शुरुआत आप करेंगे अपनी लाइफ की। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हैं कुछ नया करने का, हो सकता है कि आप बिजनेस का सोच रहे हो, या फिर कोई पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, या तो फिर कोई नई जॉब करने का सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, और जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा भी होगा ये भी दिख रहा है। यानी कि आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी, लाइफ में संभावनाएँ खुलेंगी। यानी कि जो लोग भी सोच रहे हैं कुछ नया करने का, ठीक है, वो लोग नवंबर में उस काम को ज़रूर ट्राई करें, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, अच्छी इनकम भी होगी आपकी, और जो भी लाभ आपको चाहिए जीवन में, जो भी आपने सोचा है, यानी कि जो बिजनेस करते हैं लाभ चाहते हैं उसमें, वो भी आपको मिलेगा। अगर नई शुरुआत का आप सोच रहे हैं, नई शुरुआत आप करते हैं, तो एक नई शुरुआत होगी भी, आप करना चाहें ना करना चाहें, लेकिन आपके करियर में आपको कुछ ऐसी संभावनाएँ देखने को मिलेंगी कि आपकी एक नई शुरुआत आप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली हमें नवंबर के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए। अब हम देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। बहुत अच्छी, इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी रहने वाली है। आप काफ़ी अच्छा महसूस भी करेंगे, काफ़ी अच्छा खुश रहेंगे आप। तो आप खुश हैं, यहाँ पर बहुत हैप्पी समय चलेगा आपका। नवंबर का समय काफ़ी अच्छा है आपके जीवन के लिए, इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है। अब आपके लिए देखते हैं नवंबर में साईं बाबा की कार्ड के जरिए क्या है। सच्चाई का सामना, मिथ्या तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वो भ्रांति है, मिथ्या है। तो अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों के पीछे भागना बंद कीजिए, सच्चाई का सामना कीजिए। देखिए वर्तमान स्थिति आपकी कैसी है और आप क्या सोच रहे हैं, सोच से कितना मिलता है आपकी स्थिति, इस चीज़ को देखिए। सही दिशा में काम कीजिए, जो भी सपने हैं आपके ज़रूर पूरे हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने कोई सपने देख लिए हैं, बहुत बड़े सपने हैं, तो वो नहीं पूरे होंगे, बिल्कुल पूरे होंगे। उसके दिशा में क्या काम किया जाता है उस पर आप ध्यान दीजिए। मिथुन तृष्णा की ओर सोचते रहना ही सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें निकली हैं आपके नवंबर के लिए। अब देखेंगे मिथुन राशि वालों के लिए, देखेंगे कि दिसंबर का महीना कैसा होगा। ये साल का आखिरी महीना होता है, ठीक है। साल तो पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन हो सकता है कि
साल का ये आखिरी महीना सबके लिए अच्छा हो, इसी उम्मीद के साथ हम कार्ड्स लेते हैं आपके लिए भी। और देखते हैं दिसंबर का ये आखिरी महीना कैसा होगा मिथुन राशि वालों के लिए। तो जिनकी भी मिथुन राशि है बहुत ध्यान से देखिएगा अपने इस कार्ड्स को। वैसे आपको हर एक कार्ड को बहुत ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि ये आपकी रीडिंग है। बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने को भी मिलेगा कि आपको आगे कैसे चलना है, क्या डिसीजन आपका होना चाहिए और क्या कुछ। तो देखिए आपकी जो लव लाइफ है उसमें कुछ ऐसा होगा ना कि पहले तो आपने अपने करियर पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, ये चीज़ दिख रही है। यानी कि आप जो नवंबर का महीना है उसमें आपने बहुत ही सीरियस तौर पे अपना काम किया है अपने जो भी करियर में, वो चीज़ कहीं ना कहीं दिसंबर में भी दिख रही है। आपकी लव लाइफ में थोड़ी चीज़ें थोड़ी सी कमी होंगी, यानी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आप नहीं रहेंगे, अपने करियर पे ही ध्यान देने वाले हैं क्योंकि थोड़ा सा आपका ध्यान कम रहेगा अपने पर्सनल लाइफ पे, करियर पे आपका ध्यान ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। आइए अब हम देख लेते हैं कि आपकी करियर में क्या परिवर्तन आएगा। तो काफ़ी अच्छा परिवर्तन यहाँ पे दिख रहा है जिन लोगों का भी मिथुन राशि है। जो दिसंबर का समय आपके जीवन में होगा आपकी करियर को लेके काफ़ी अच्छा है। पर्सनल लाइफ में भी अगर आप देखें तो उसमें भी कम ही चीज़ें दिख रही थी, मतलब वहाँ भी करियर का ही दिख रहा था। तो आपसे यही एक सलाह है कि करियर पे ध्यान दीजिए अपने, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा समय दिख रहा है। एक नया स्टार्ट अगर आप करना चाहते हैं तो नवंबर में वो काम कीजिए, उसमें सफलता आपको मिलेगी और वो सफलता फिर आपकी दिसंबर तक आपको देखने को मिलेगी। उसमें काफ़ी लाभ होगा आपको, पैसे का काफ़ी लाभ होगा। कोई बिजनेस करना चाहते हैं उसमें आपको लाभ होगा, तो ये दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ होने वाला है पैसे को लेके। अभी देख लेते हैं दिसंबर में आपकी हेल्थ कैसी होगी। हेल्थ भी काफ़ी अच्छी दिख रही है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने काम पर ध्यान दीजिए, हेल्थ आपकी सही है बिल्कुल। और यहाँ देखते हैं साईं बाबा की कार्ड्स के ज़रिए क्या पता चलता है हमें। वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। तो आपको किसी भी ऐसी चीज़ को लेके नहीं बैठना सोचने की कि कुछ अगर आप बहुत नकारात्मक सोचते हैं, आप सोचते नहीं ये सारी चीज़ें तो होंगी, तो बिल्कुल नहीं सोचना। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। कल अभी कल बना हुआ नहीं है, कल आप आज से बनाते हैं, यानी कि इसका हमेशा ध्यान रखिए। जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वही सब हमें कल देखने को मिलेंगी। तो आप अच्छे कर्म कीजिए ताकि आपका भविष्य भी अच्छा हो। तो ये थे आपके कार्ड्स, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर 3 महीने की रीडिंग आपको देखने को मिली है जो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर।